राम राम सभी भाइयों ने, मैं आपका दोस्त राहुल हाजीपुरिया, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज जिस व्यक्ति से हम आपकी बात करने जा रहे हैं वो व्यक्ति प्रसंग में गुजर रहा है और अभी नहीं पहले से फेस कर रहा है, जिसके लिए हम उससे बात करेंगे। सिर्फ महंगाई, वो इतनी महंगाई से टूट चुके हैं कि आज हमसे हमारे पास में मैसेज डाला था उन्होंने हमारे चैनल पर कि भाई हमें आपसे बात करनी है, आइए उनसे बात करते हैं, मिलते हैं। क्या नाम है उनका और कहाँ से हैं? क्या भाई, बढ़िया। क्या नाम है? नमस्कार। नमस्कार भाई, क्या नाम है? मेरा नाम मोनू सिंह है। मोनू सिंह जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। कहाँ पे रहते हैं? मैं सेक्टर 45। अच्छा, सेक्टर 45 में रहते हैं। मोनू सिंह, आपने हमारे मैसेज डाला था हमारे पास में कि आप बात करना चाहते हैं, बताइए कि कुछ परेशानी है, परिस्थितियाँ जो आप फेस कर रहे हो महंगाई को लेकर, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं, जो इतनी महंगाई हो रखी है इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? महंगाई क्या हो रही है, महंगाई, इस महंगाई में हम कुछ नहीं कर पा रहे इस समय, ना ही तो ढंग से हम घर का कुछ भी हो पा रहा, ना ही हमारे बच्चों का हो पा रहा है, इससे भविष्य बहुत बेकार हो पा रहा है। तो भाई समय इतनी महंगाई है कि हमें पता है हम किस परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। तो आप कुछ काम नहीं तो करते होंगे या कुछ तो करते होंगे? काम करते हैं, कंपनी में जॉब करता हूं, 9,500 रुपए मिलते हैं, उसमें क्या होता है? 9,500 रुपए तनख्वाह मिलती है? ऐसा क्या काम करते हैं भाई? मैं हाउसकीपिंग में काम करता हूं, उसमें 9,500 रुपए मिलते हैं, बताइए उसमें अपने बच्चों का पेट पालें या अपना कुछ काम करें या बच्चों की फीस भरे। तो 9,500 रुपए फिलहाल आज की जिस महंगाई में 2023 के दौर में आप 9,500 मैनेज कर लेते, अपने घर को चला लेते? नहीं हो पाता। तो फिर कैसे चला पाते हैं? किसी से लेना पड़ता है, मतलब महीना खत्म होते होते आप कर्जे में आ जाते हो जी, और ये सैलरी रहती है वो चला गया, फिर दोबारा फिर वही आ जाती है, लेना पड़ता है। ऐसा ऐसा किस लिए? आपकी वाइफ ने काम करती है? नहीं। आपके बच्चे कितने? बच्चे दो हैं मेरे। बच्चे दो हैं, बच्चे पढ़ते हैं जी? तो स्कूल का प्राइवेट में सरकारी में? प्राइवेट में। तो सरकारी में क्यों नहीं भेजते आप? ऐसा बच्चे सरकारी में भेजा था, उसमें इतनी उपलब्ध मतलब सुविधा नहीं है, मेरे बच्चे और बिगड़ गए थे उसमें। लेकिन सरकार तो कहती है, और उत्तर प्रदेश में आप रह रहे हो, सरकार तो बोलती है कि बहुत अच्छे स्कूल है, और जो कि हमने खुद देखा कि बहुत अच्छे स्कूल है, तो आप क्यों नहीं भेजना चाहते? ऐसा कुछ नहीं है साहब, मैंने पढ़ा के देखे, एक साल बच्चे मेरे कुछ नहीं आता था उनपे, और अब मैं प्राइवेट में है तो थोड़ा बहुत अच्छा लगा मुझे उस प्राइवेट में। लेकिन प्राइवेट इंग्लिश मीडियम है? यस। लेकिन इंग्लिश मीडियम तो अभी सरकारी भी हो गए हैं। सरकारी कुछ नहीं है साहब, बाकी भी फीस ऐसी है, अभी तो जिस स्कूल में मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी 2200 रुपए फीस है, 2200 महीना फीस आती है। तो सरकारी 2200 रुपए खत्म करने के लिए सरकार ने स्कूल को अच्छा बनाया और इंग्लिश मीडियम बनाने की कोशिश कर रही है सरकार। तो इस मुद्दे पे आप एक बार बात करो, स्कूल में जाओ, जो वहाँ के मास्टर होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनसे बात करो कि भाई हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। अकेले से बात करने से नहीं होगा ना, मेरे जैसे भाई के और भी बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पर, तो और भी नहीं है मतलब आगे पीछे, ग्रेड वन ग्रेड टू जो होता है, टू वन की क्लास जो होती है वो सब ऐसी है इनकी जी, जी, जी। अमाउंट का जो होता है फीस का मंथली। तो आप जो यहाँ पे मकान अपना है किराए पर? किराए पे। किराए पे, तो किराया भी भरते हैं उसी सैलरी में और घर का खर्चा भी। तो किराया कितना हो समथिंग आपको? 3,000 किराया प्लस उसका बिजली बिल, और मतलब प्लस 3,000 रुपए किराया प्लस बिजली बिल मिला के मतलब 3600 रुपए आ रहा है, सबसे बढ़ता है 3600 रुपए महीने भरते हो बाकी 9,500 रुपए सैलरी में से। तो दोस्तों आप देख रहे हो 9,500 रुपए की सैलरी में ये भाई घर का खर्चा चलाता है और बच्चों को पढ़ा रहा है, कैसे मैनेज करता होगा? और जहाँ तक कि वाइफ भी ड्यूटी नहीं जा पाती है क्योंकि छोटा बच्चा बता रहे हैं इनका छोटा बच्चा, तो कैसे मैनेज करता होगा? सिर्फ ये इतना ही है कि अपना सुबह जो कमाया शाम को खा लिया, जो शाम को जो सुबह खाया सो गए, सुबह उठे तो फिर कमाने चले गए, मतलब रोज खोदो रोज पियो। तो सर इस बारे में आप कुछ रिक्वेस्ट सरकार से करना चाहेंगे, जो किराया इतना बढ़ाते हैं हर साल, मकान मालिक बढ़ाते हैं? मैं तो किराया बढ़ता है जिस तरीके से किराया बढ़ाती है सरकार, इस तरीके से सैलरी भी बढ़ाए तो थोड़ा मैनेज भी होगा। सरकार किराया नहीं बढ़ाती, जो मकान मालिक है, जो छोटे गाँव में लोग हैं तो किराया तो बढ़ाते हैं सरकार। मैं तो मकान मालिक से यही कहना चाहता हूँ भाई, गरीब लोगों को इतना ना सताएं, और मकान मालिक से निवेदन हाथ जोड़ के जितना है उतना ही रखें, इससे ऊपर ना बढ़ाएं, क्योंकि हम लोगों की इतनी इनकम नहीं है जो हम आप लोगों को दे। हमारा तो कभी कभी मन करता है यहाँ से छोड़ो सीधा गांव जाओ, मतलब तो कभी कभी इनको लगता है कि हम यहाँ से छोड़ के गांव चले, गांव में रुकी सुखी मजदूरी में गुजारा कर ले, क्योंकि मकान मालिक अपने प्राइवेट सेक्टर में गांव में इतना किराया बढ़ा देता है कि इनकी कमर टूट जाती है। ये इन्हीं की बात नहीं है, हर एक शख्स की बात है कि सिर्फ किराया इतना आदमी को तोड़ देता है, बाकी राशन जो दुकान वाला होता है हर एक आइटम पर 2 रुपये बढ़ा देता है उधार में, क्यों वैसा ही होता है? ये बिल्कुल, परसों में कुछ सामान लेने गया उस पर 2 रुपये प्राइस ज्यादा बढ़ गया, मैं वो सामान छोड़ के आ गया, बताओ 2 रुपये में 8 रुपये और मिला के दूध की थैली आ जाएगी 20, बताओ 20 रुपये की दूध की थैली। किस तरीके से आदमी अपनी परिस्थिति गुजार रहे, किस परेशानी में है ये, और कैसे मैनेज करते होंगे भी, तो आप भी सोच सकते हैं। हम तो खाली अनुमान लगा सकते हैं इसके बारे में, बहुत परेशान होगा। आपको मैसेज करा मैंने, शायद आपकी तरीके से मुझे कुछ हेल्प मिल जाए। चलिए हम सरकार से गुजारा करेंगे और कि सर किराए पे बात की जाए। और मैंने अभी सुना आपके बारे में कि आपका भी एक YouTube चैनल है, उस पे आप क्या करते हैं? आप किस चीज़? छोटा सा एक चैनल है, ब्लॉगर है, जो ब्लॉगिंग के नाम से मोनू भाई, और 29 06 है। अच्छा, लास्ट में
मोनू भाई के नाम से, मोनू भाई 2906। आप उसको जाइए देखिए, इनके बेटे कुछ फनी वीडियो है, इनकी भाई की कुछ फनी वीडियो है, उस पर देखिए और उसको भी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा उस पर अपने व्यूज दीजिए और उसको आगे बढ़ाए चैनल को, ताकि इन भाई को कुछ आर्थिक सहायता मिल सकते उसके माध्यम से भी। और अच्छा लगा आपसे बात करके सर, मुझे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद सर। और सर मैं ये चाहूंगा कि जो किराए की बात है, जो महंगाई की बात है, इस पे 2024 में 25 में जब भी कोई सरकारें आए कुछ भी हो तो इस पर थोड़ा ध्यान दिया, क्योंकि मकान मालिक किराया सिर्फ साल में दो बार बढ़ाता है, एक बार बढ़ता है, ये 5 साल में एक बार बढ़ना चाहिए किराया। मेरी बहुत निवेदन है आप सभी से कि इस चीज़ के बारे में बात की जाए। इसे मैं आपसे अलविदा लेता हूँ।